अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेहत की बात डॉक्टर सजाद के साथ एक्यू टीवी में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो हम मौजू लेके आए हैं बहुत ही अहमियत का हामिल है और हर दूसरा बंदा जो है इस मामले में जो है वो फंसा हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, आज हम मोटापे यानी कि ओबिस्टी पे जो है वो बात करेंगे कि क्यों इतनी ज़्यादा जो है वो ओबिस्टी या मोटापा जो है वो फैलता चला जा रहा है और बच्चे क्या, जवान क्या, मीडियम एज क्या, ओल्ड एज क्या, ये बहुत ही हमारे पीछे पड़ गया। क्या वजूहत हैं कि हम क्या ऐसी खुराकें खा रहे हैं जिसकी वजह से हमें जो है बहुत ज़्यादा मोटापा आता ही चला जा रहा है और चर्बी बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म पे आ रही है। हमने कैसे इससे अपनी जान छुड़ानी है, क्योंकि जो लोग मोटापे में मुब्तला हो जाते हैं वो किसी काम के नहीं रहते हैं और हमें चाहिए कि हमें अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह पाक भी आखिरत में आप लोगों से सवाल करेंगे कि मैंने आपको इतना अच्छा जिस्म दिया, आपने इसके साथ क्या बिगाड़ किया, तो हम अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे। बीइंग ए मुस्लिम हमें बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए और हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि हमें मोटापे की तरफ ले जाती हैं, जैसे कि प्रोसेस फूड जो है, फास्ट फूड, जंक फूड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हम खाने में इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। तो सामिन इकराम, ये बहुत ज़्यादा जो है वो मोटापा जो है वो आपको फ्राहम करता है। अगर आप एक नॉर्मल बर्गर ले लेते हैं तो 400-500 के करीब कैलोरीज जो हैं इसमें होती है और बाज़ दफ़ा तो हम दो दो तीन तीन बर्गर भी खा जाते हैं। और एक अगर कोला ड्रिंक्स का एक गिलास अगर हम पीते हैं तो इसमें 200 कैलोरीज हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि फिर लोग कहते हैं कि अभी हमने खाना भी खाना है, तो कैसा मज़ायका खेज़ बातें हैं कि इतना बड़ा बर्गर खाने के बाद फिर कहते हैं कि खाने का टाइम हुआ है, चले आएँ खाना भी खाते हैं। तो आप ये देखें कि जब आप खाना खाते हैं, रोटी में भी 150 से 200 एक रोटी में जो है वो कैलोरीज होती है, तो सालन का भी आपने प्लेट जो है दो तीन प्लेटें तो खा जाते हैं। और जब दोस्तों में हम बैठे होते हैं तो अक्सर जब हमने दो रोटी खानी तो वहाँ पर 4-5 रोटियाँ जो हैं वो खा लेते हैं। तो इसमें हमने देखना है कि किस तरह हम इन चीज़ों को कंट्रोल करें ताकि मोटापा जो है वो हमारे इर्द गिर्द जो बहुत ज़्यादा फैलता चला जा रहा है इसको हम किस तरह जो है वो कंट्रोल में लेके आएं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम लोगों ने एक्सरसाइज से अपना जी चुराना शुरू कर दिया और लविश लाइफ जो है वो हर बंदे का हक है, मगर कोशिश करें कि लविश लाइफ के साथ साथ जो है अपनी बॉडी को भी एक्सरसाइज की तरफ लेके जाएँ, वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, जिम में चले जाएँ। सबसे पहले तो कोशिश करें के टाइम पे सोना और टाइम पे उठना जो है ये आपके मोटापे को बहुत ही कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद आपने खाना पीना अपना कंट्रोल करना है और दिन में कैलोरीज जो है वो अगर आप कैलकुलेट करके अगर खाएंगे तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ख़ासतौर पे जो लेडीज़ हमें देख रही हैं इनके लिए ये मैसेज है कि अनफॉर्चुनेट अगर घुटनों के ऊपर हमने 60 kg वज़न डालना है तो हमने तो डाला हुआ 120 kg, तो उसके घुटने के जो कुशन्स हैं वो बैठ जाएंगे और फिर घुटने कहा जाता है कि चेंज कर दिया जाए। भाई ये गाड़ी तो नहीं है कि एकदम अपने घुटने जो है वो चेंज कराने हैं, ये बड़ा मुश्किल काम होता है और बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली भी है। तो इस तकलीफ़देह अमल से जो है वो डॉक्टर या सर्जन के पास आप जाएंगे, उसने तो जो पढ़ा होता है उसी ने आपको वही बताना है कि सर्जन के पास जाएंगे तो उन्होंने कहना है कि जी बीबी आप कोशिश करें कि ऐसा करें कि 20 लाख रुपए जमा करा दे और अपने घुटने जो है वो आप चेंज करवा लें। सिंपल उन्होंने कह दिया, आपको वक्ता पड़ गया, ना 20 लाख होंगे ना आपके घुटने चेंज होंगे। तो क्यों ना हम अर्लियर एज में अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को जो है वो ऐसी चीज़ें बताएँ कि वो ख़ुद से अपने वज़न को जो है वो मेनटेन रख सकें। और न्यूट्रिशन के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने न्यूट्रिशन आप ख़ुद बन सकते हैं। जहाँ आप दो रोटी खाते हैं आस्ता आस्ता 1.5 रोटी पर आ जाएँ, फिर एक पे आ जाएँ, आधी पे आ जाएँ। कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि आपने रोटियां जो है बेतहाशा खानी है। गंदम जो है, वीट बहुत ज़्यादा जो है वो वेट बढ़ाने में मावन साबित होती है, इसलिए कोशिश करें कि सुबह का नाश्ता जो है वो अच्छे तरीके से करें। हमारे बच्चे जो हैं वो नाश्ता नहीं करते क्योंकि रात को लेट नाइट जब वो सोते हैं तो फिर मुख्तलिफ किस्म के चिप्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो खाते रहते हैं। सुबह उनको जो है वो नौज़िया और वॉमिटिंग फील होती है और इसी तरह स्कूल उठ के चले जाते हैं। और हमारी माएँ बहनें भी जो है वो बच्चों को बर्गर बच्चे ही बना रहे हैं कि डबल रोटी के ऊपर जाम जेलियाँ लगा के थोड़ा सा खा लिया और वही स्कूल में जो है वो बच्चे लेके जाते हैं, फिर पैसे भी साथ दे देते हैं, तो वहाँ से भी कोला ड्रिंक्स पी जा रही है। इस तरह के लेज, चिप्स वगैरह जो सलांटियाँ बाज़ार में मिल रही हैं ये बहुत ही ख़तरनाक हैं और ये बहुत ज़्यादा जो है वेट को इनक्रीज़ कर देती हैं। हम अगर 10 रुपये का एक पैकेट ख़रीदते हैं लेज का, तो इसमें भी आप देखें 100 कैलोरीज हैं। अगर 5 रुपये का आप टिक्की पैक बिस्किट, जिसमें 4 बिस्किट होते हैं, तो इसमें भी आपके 60-70 कैलोरीज हैं। हम इसे लिफ्ट ही नहीं कराते और इसके बाद हम खाना भी खाते हैं और बहुत सारे जो है बर्गर भी खाना चाहते हैं। तो कोशिश करें कि कैलकुलेशन जो है वो कैलोरीज की ज़रूर होनी चाहिए।
वॉक एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर आप लोग आधा पौना घंटा अपने लिए निकालें। और मैं तो कहता हूँ दुनिया का वो अमीर तरीन शख्स है जो अपने लिए आधा पौना घंटा जो है वो निकालता है। अगर आपने अपने वज़न को कंट्रोल करना है तो फिर आपको गंदम जो हम वीट खाते हैं इससे थोड़ा सा नाता जो है वो तोड़ना पड़ेगा। आलू के चिप्स उबले हुए जो हम बहुत सारे बच्चों को दे देते हैं, और चावल जो है ये भी ओबेसिटी जो है बहुत ज़्यादा करते हैं। ख़ासतौर पे शुगर पेशेंट जो है वो कोशिश करें कि ब्राउन चावल जो है वो इस्तेमाल करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। अपने घरों से वाइट पॉइजन जिसे मैं चीनी कहता हूँ इसको निकाल दें, ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो आपका वेट जो है बढ़ाती है और जिस्म से कैल्शियम निकालती है। हम तो छोटे बच्चों को जो है वो फीडर में चार चार चम्मच डाल के चीनी जो है वो पिला देते हैं, जिससे उनकी अर्लियर एज में जो है वो टीथ कैरीज जो है बच्चों के शुरू हो जाता है और साथ ही कैल्शियम बॉडी में नहीं ठहरता। तो कोशिश करें कि बच्चों को शहद दूध में डाल दें या वैसे ही उनका टेस्ट जो है डेवलप करें। नीम गर्म दूध आपका मोटापा भी कम करता है। ये बड़ी अहम बात आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि लोग समझते हैं कि दूध से मोटापा आता है, तो भलाई ऊपर से हटा के आप नीम गर्म दूध जो है एक चम्मच शहद के साथ लेना शुरू करें। ये आपका जो है यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करेगा, आपके मोटापे को भी कंट्रोल करेगा और हड्डियों में कैल्शियम लेवल को बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर करेगा। तो नाजरीन आपने कोशिश करनी है कि घर में कुछ आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप इस्तेमाल करके अपने मोटापे को जो है वो आप बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आपके घर में सफ़ेद ज़ीरा है, इसको आप हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा लें और 7 दाने कलौंजी के जो है इस पर राइट हैंड पर रखें, पानी के साथ इसको फांक लें और साथ ही नाश्ता कर लें। इसमें कोई आधे घंटे घंटे का कोई वक्फा नहीं है। जो लोग 40 डेज़ इसको रेगुलर यूज़ करेंगे उनकी बैली भी अंदर चली जाएगी और उनको विटामिन ई और ए दोनों मिलेंगे, तो आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, आपकी आंखों की रोशनी भी बेहतर हो जाएगी। एक चीज़ जो आपके घर में पड़ी है और आपको उसके बारे में पता नहीं है, मैंने आपको बताया है, तो यकीनन आप दुआओं में भी हमें याद रखेंगे और कोशिश करें कि ये डेली जो है वो आप लोग इस्तेमाल करें। इससे मोटापा जो है वो बहुत जल्द जो है वो कम हो जाता है। फिर इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी का जब सीज़न आए तो कोशिश करें कि एक पाव दही में 5 से 6 स्ट्रॉबेरी जो है वो काट के आप इस्तेमाल करें और बहुत जल्द जो है ये भी आपके मोटापे को जो है वो कम करता है। और कोशिश करें कि घर में जो दही आप लोग जमाते हैं या कुंडे वाला दही जो है वो होना चाहिए, जो डब्बों में पैक दही होता है इसको आप लोग इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ रिजर्व्स उन्होंने डाले होते हैं केमिकल, जो कि हमारी बॉडी को फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान देते हैं। तो इसको आपने कोशिश करना है कि इन चीज़ों को आप लोग इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ आप 2 चम्मच जो है इमली जो हम अपने घरों में अक्सर हमारे घरों में होती है, रात को 1 गिलास पानी में आप जो है वो इमली डाल के तो गुठलियाँ उसकी निकाल दें, उसको ढाम के रख दें, सुबह जब आप उठें तो इसको मसल के छान के जो है वो इसको आप पी लें। ये भी आपका 1 महीने में 4 से 5 kg वज़न जो है वो लूज़ कर देगा। जो बहुत तेज़ी से वज़न चीज़ें लूज़ करती हैं उसको इस्तेमाल ना करें, वो फिर किडनी पे असरात आ जाते हैं। बहुत सारी अद्वियात मार्केट में आई हुई हैं और हमने ख़ुद देखा है कि बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपने पतले होने के शौक़ में वो अद्वियात धड़ाधड़ खाई और अनफॉर्चुनेट उन लोगों के किडनी जो है वो फेलियर की तरफ चले गए। तो हम आपको एक्यू टीवी से वो चीज़ें बताते हैं जो कि आप लोगों को बहुत आसानी से अवेलेबल हो और जो हार्मफुल ना हो आपकी बॉडी के लिए और कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, आप लोगों को इसका फ़ायदा ही फ़ायदा हो। तो कोशिश करें कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ भी जो है वो मोटापा जब होता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो कब्ज़ भी हो जाती है, तो कोशिश करें इसबगोल का छिलका जो है नीम गर्म दूध में हमेशा लें, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि हम इसबगोल का छिलका लेते हैं तो हमारे जोड़ों में दर्द होता है, तो इसका तरीकाकार यह है कि 1/2 kg अगर आप इसबगोल का छिलका लेते हैं तो इसमें 1/2 पाव कलौंजी मिक्स कर लें, तो ये आपके जोड़ों को भी फ़ायदा देगी और आपके मोटापे को भी कम करेगी। नीम गर्म दूध ले लें, उसमें बड़ा चम्मच डाल के आप ले लें, तो ये मल्टीपल चीज़ों को जो है वो फ़ायदा देती है। कलौंजी के बारे में आप लोगों ने सुन रखा है कि सवाए मौत के हर चीज़ का इलाज है। कोशिश करें जब खाना पक रहा हो हंडिया में भी एक चुटकी इसकी डाल दिया करें, तो ये मोटापे को बहुत जल्द जो है वो क्योर की तरफ लेके जाती है। और ठंडे पानी से इज्तनाब करें, ये बड़ी ज़रूरी बात मैंने अपने नाज़रीन को बतानी है कि फ्रिज से ठंडा पानी हम पीते हैं, बर्फ़ जमा हुआ पानी पीते हैं, ये बहुत तेज़ी से मोटापे की तरफ लेके जाता है। तो इसको आप लोग कोशिश करें कि नीम गर्म पानी में जो है वो अपने दिल को लगाएं। ठंडा पानी जो है वो आपकी हार्ट की नालियां जो है वो ब्लॉक करता है और आपका मोटापा जो है वो बहुत कई गुना कर देता है। कोशिश करें कि ठंडा पानी ना पिएं।
ताज़ा पानी लेके सुबह आप लोग एक कप ताज़ा पानी लें, नीम गर्म सा पानी हो जाए, उसमें एक चम्मच बेरी का शहद, जी हाँ काली बेरी का शहद जो है वो मोटापे को बड़ी तेज़ी से कम करता है। इसमें आपने एक लीमू जो है वो स्क्वीज़ करके सुबह निहार मुँह आप लोग इसको भी पीना शुरू करें तो ये बहुत तेज़ी से जो है वो आपका वेट जो है वो लूज़ करना शुरू कर देगा। मगर असली काली बेरी का शहद हो जाए, बाज़ लोग तो काला गुड़ जो है वो गर्म करके दे देते हैं, तो असली शहद की पहचान होती है कि ये आर पार आप इससे देख सकते हैं और ये जमता नहीं है अगर आप इसको फ्रिज में भी रख लें। तो ये कोशिश करें, ज़रा मुश्किल से मिलेगा मगर मैंने बिल्कुल आसान टिप्स आप लोगों को बताए हैं कि आप लोगों ने ये चीज़ें यूज़ करनी है। वॉक एक्सरसाइज तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, अपनी कैलोरीज को बर्न करें और कोशिश करें कि रोज़ाना की बुनियाद पर आधा घंटा जो है वो अपनी लाइफ के लिए निकालें। उम्मीद है आप लोगों को ये हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। AQ TV से डॉक्टर सजाद को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे।